हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्यूटर एजुकेशन का 9th पार्ट है और इस पार्ट में हम बात करेंगे कि आप किस कीबोर्ड से कौन से कीबोर्ड आपके लिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए अच्छा होगा, आप कौन से कीबोर्ड का टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम सारा डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चूँकि ये टाइपिंग प्रैक्टिस का सीरीज चल रहा है, हमने आपको कीबोर्ड से कैसे टाइपिंग करना है, कीबोर्ड में कौन कौन सी की होते हैं और उसका रूल्स सारा चीज़ हमने बता दिया है। और आपको ये भी सजेस्ट किया है कि आप बुक से टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे या फिर किसी सॉफ्टवेयर से। तो हम आज के वीडियो में बताएंगे कि कौन सी कीबोर्ड हमें टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए अच्छा होता है, कौन सी कीबोर्ड का हम यूज़ करें टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेल का कीबोर्ड है, देख लीजिए, यहाँ पे डेल है, डेल कंपनी का एक कीबोर्ड है। और एक हमारे पास ये कीबोर्ड है, ये है इंटेक्स का। तो ये देख लीजिए, इसमें आपको जो की है इसमें बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो इस तरह से की का देख लीजिए, किस तरह से इसमें की है, इसमें उभरा हुआ की है और की के आसपास आपको की के आसपास कुछ स्पेस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जब कोई की दबाते हैं, आप तेज टाइपिंग करते हैं, तो आपका ये जो की है, जो स्पेस है, इसमें ये फंस सकता है और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसमें बाधा आती है। और आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा डेल का, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे सॉफ्ट मिलेगा, कोई भी की आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपकी इस जो की है इसमें किसी भी साइड में कोई भी स्पेस नहीं है और इसमें बहुत सॉफ्ट की है और इसमें ज़्यादा से आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं लेकिन इसमें स्पीड हमारा इम्प्रूव नहीं होता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ये वाला कीबोर्ड ना लेकर के, यहाँ पे देख लीजिए ये कीबोर्ड है, इसमें आसपास स्पेस है और इसे टाइपिंग करने में कीबोर्ड जो की है ये फंस जाता है और टाइपिंग में दिक्कत आती है। तो ये कीबोर्ड ना लीजिए आप टाइपिंग करने के लिए, आपको सजेस्ट करना है ये कीबोर्ड। आप इस कीबोर्ड से अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करें, इस कीबोर्ड से आपका टाइपिंग इम्प्रूव होगा, जो भी आपका स्पीड है इसी टाइपिंग से बनेगा। और आपको ये टाइपिंग कीबोर्ड है, यहाँ से आप इस कीबोर्ड से आप टाइपिंग प्रैक्टिस करें। और हमने इसी कीबोर्ड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कीबोर्ड में जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे कोई भी की आसानी से प्रेस कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे आपको कीबोर्ड में ही फ़र्क दिख रहा है, कीबोर्ड में देख लीजिए, यहाँ पे कीबोर्ड में बहुत फ़र्क है, ये दोनों कीबोर्ड है। यहाँ इस की को देख लीजिए और इस की को देख लीजिए, ये दोनों की में बहुत डिफरेंस है, इसलिए आप इस की को यानी कि इस कीबोर्ड को आप इस्तेमाल कीजिए अपने टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए और इस कीबोर्ड को नहीं। अगर कहीं हल्का फुल्का काम है, आपको कोई काम करना है, वैसे फॉर्म वॉर्म फिलअप करना है, तो आप इस कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, जो कि फॉर्म वॉर्म फिलअप करने में हमें देखकर कुछ मतलब क्लियरफुली करना है, केयरफुली हम टाइप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे आप एक देखकर कीबोर्ड देखकर जब आप प्रेस करेंगे, आप ज़्यादा स्पीड से नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ये कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तेज़ टाइपिंग करने के लिए आपको ये कीबोर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बैंकों में देखते हैं, किसी ऑफिस में देखते हैं, तो यही कीबोर्ड आपको मिलता है, यही कीबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है। आप अमेजोन लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे तो आपको ये बेस्ट सेलर पे आएगा। इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है, 600 रुपये है प्राइस, और ये आपका 300 से 350 या 250 में आपको ये कीबोर्ड मिल जाएगा, जबकि ये आपको 600 में मिलेगा। हमने कीबोर्ड और माउस दोनों परचेज किया था, इसलिए हमारा प्राइस ज़्यादा था, इसलिए आपको लिंक पे क्लिक करना है और सिर्फ आपको कीबोर्ड ही परचेज करना है, यही कीबोर्ड परचेज करना है डेल का, और इससे आप टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो चलिए हम अब नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। आप कीबोर्ड चूज कर लीजिएगा, आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है तो आप इसी कीबोर्ड से करें। और अगर आपके पास इतना कैपेसिटी नहीं है, अगर आप नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो आप किसी भी कीबोर्ड से काम चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आपको ये कीबोर्ड बहुत ही अच्छा पड़ेगा, इससे आप टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हम नेक्स्ट स्टेप पे दिखा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज है, यहाँ पे QWERT है और P
ओ आई यू वाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है ऊपर वाला बटन है क्यू डब्ल्यू ई आर टी, उसके बाद पी ओ आई यू वाई। तो आपको पहले चार की का इसको प्रैक्टिस करना है, चार की को इस तरह से आपको दो तीन पेज में इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपके तीसरे में जब भी प्रैक्टिस आपका इम्प्रूव हो जाए तो देख लीजिए ये कीबोर्ड कितना सॉफ्ट है और इससे हम किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी की आसानी से प्रेस किया जा सकता है इसमें। लेकिन उसमें कीबोर्ड में जो हमने पहले आपको कीबोर्ड दिखाया इंटेक्स का, और उस कंपनी वो वाला कीबोर्ड कई कंपनी में आता है, और आपको की देखना है कंपनी नहीं देखना। अगर आपको इस सॉफ्ट की में अगर सस्ता ही कीबोर्ड मिल जा रहा है इस तरह से की में, इस तरह से कि कोई किसी भी कीबोर्ड में है किसी भी कंपनी का है, अगर इस तरह का बटन आपको मिल रहा है तो आप वो कीबोर्ड परचेस कर लीजिए जो सॉफ्ट हो, कहीं भी आपको प्रेस करने में बटन को प्रेस करने में फंसे उसे ना। तो इस तरह से आप इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा टाइपिंग प्रैक्टिस का सेकेंड सीरीज है, तो हमें पी क्यू क्यू डब्ल्यू ई आर टी और पी ओ आई ओ यू के हमें प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे हम फोर की का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए फिर हम वाई और टी पर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप टाइपिंग करेंगे। और हमने अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कीबोर्ड से आप कनेक्ट करके मोबाइल में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका भी वीडियो हमने बना रखा है, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल पर जाके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो किस तरह से आप कीबोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करके आप किस तरह से टाइपिंग कर सकते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने पूरा डिटेल्स में उस वीडियो में बताया है, उसको आप देख लें। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो उसको आप ज़रूर देख लें। तो इस तरह से हम टाइपिंग करेंगे, हमने आपको कीबोर्ड भी बता दिया और टाइपिंग रूल भी बता दिया, टाइपिंग बुक भी बता दिया, और अगर मोबाइल में आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसको भी हमने बता दिया, आप वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।